के विरोध में जो ये चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इसको इतना अपार 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 समर्थन मिल रहा है। सवेरे 6 बजे हमें पीछे का तो पता नहीं, हम मेवात में थे, सड़क नजर नहीं आ रही थी, आदमी आदमी, कोई वो किराए के लोग तो नहीं है, अपनी इच्छा से सारे लोग आए हुए थे। कुछ ये दर्शाते हैं कि भाई इनसे कितने तंग है। तो वो भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा हमारे शहर में आ रही है, हमने उसका अभूतपूर्व अपने तरीके से अपने हरियाणा में बेस्ट स्वागत करना है, उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग बुलाई। एक तो कोरोना का चक्कर जो है ना, कुछ लोगों के मुंह से भाई कोई कह रहा है 9 को हो गई, 7 को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो डेट क्लियर कर दो, जगह क्लियर कर दो। देखो जी, डेट क्लियर आपको जो पीछे टेंटेटिव आई हुई है 7 तारीख। अब ये मैंने भी सुना है कि शायद एक आध दिन का जो भी उनकी यात्रा जब दिल्ली से चलेगी तभी हमें दिल्ली वाले डेट दे देंगे। मीटिंग में तो उस दिन यही थी कि 6 को एंटर करेंगे सनौली बॉर्डर से, और नाइट स्टे वहाँ होएगा सनौली खुर्द, और सवेरे वहाँ से चलेंगे और यहाँ आएंगे पानीपत, पहले ग्रामीण फिर पानीपत आएंगे, और फिर नाइट स्टे बाबरपुर मंडी में। सर जी, अभी आपने कहा कि स्वागत अभूतपूर्व होगा, इसमें अभूतपूर्व में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से हम जो भी चीज़ अपनी देंगे, जो भी चीज़ दर्शाएंगे, जैसे मेवात में जगह थी, उन्होंने अपना कल्चर, वहाँ का कल्चर दिखाया, ऊँट बैलगाड़ियाँ, किसान, हल, जो वहाँ का था, जो यहाँ का कल्चर है हम उसको दिखाएंगे ना, कि हमारा हमारे यहाँ क्या कल्चर है। पानीपत में 2 ही नाइट रहेंगी जो पहले से चल रहा है प्रोग्राम, वैसे ये कोई बदलाव तो नहीं उसमें अभी तक? वो तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने किलोमीटर उन्होंने करना है उतना ही करना है ना। जो उनका आदमी जो कराया था उन्होंने, वो मोटा मोटा ये बताया था, वो तो लगभग वही है। विपक्ष टी शर्ट को लेकर काफ़ी भी बात की जा रही, क्या कहेंगे? ये तो मैं पहले भी बताया कि ये तो एक आदमी ने पूछा कि क्या खाते हैं राहुल जी, वो कांग्रेस से ही तो गया हुआ है, उसको इस कांग्रेस के इतिहास का ही नहीं पता कि कांग्रेस ने कितनी कुर्बानियां दी हैं नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक। ये तो शहीदों का परिवार है, इनको इन कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या मानते, इसमें क्या चर्चा करते हैं ये लोग, अपनी बात नहीं करते। जो कहते थे 56 इंच का सीना है, उसने भी कौन है, एक दिन चल के देख ले साथ। ये कोई सवाल हुआ कभी टी शर्ट में क्यों चलता? जो जैकेट पहनेगा फिर कहेगा जैकेट कहाँ से आई है, कितने रुपये की है, क्या है इनका? कोई इनका कोई महत्व नहीं है। उस परिवार को देखो जिसकी कुर्बानी है, वो फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार सड़क पे चल रहे हैं। सरकार प्रदेश स्तरीय रैली है, जब तैयारियां हो रही है जी, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? सारे जिलों से आएंगे? सारे जिलों से आएंगे। गैदरिंग की उम्मीद कर रहे हो? ये उस दिन मीटिंग में कही गई थी कि ये रैली दीपेंद्र जी ने कही थी हुड्डा साहब ने कि 2 लाख+ लोग इकट्ठे करेंगे, तो सारे प्रदेश है। मैंने तो अपने पानीपत का दिखाना है कि मेरे पानीपत से ज्यादा लोग इस रैली में आए। पानीपत का क्या टारगेट है? कोई टारगेट नहीं, हर गली का आदमी, हर मोहल्ले से बच्चा आएगा, औरत आएगी, बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी, हर आदमी अपना इसमें हिस्सा डालेगा। आज इसी के लिए मीटिंग करी थी कि सारे साथी इसमें योगदान करो। करेंगे जी, आज कल करेंगे, करेंगे वो आपको बता देंगे। जैसे बीजेपी के 42 मोर्चे हैं, सेल हैं, बहुत सारा ताम झाम है, लेकिन कांग्रेस के मेरे को 14 ही हैं, तो सेल भी संगठन की दृष्टि से मेरे को पता है बीजेपी से आपके सेल कम है या वो है, लेकिन सारे जो विंग हैं आपके कांग्रेस के सबको सक्रिय कर रहे हो। हमारे सारे डेडिकेटेड वर्कर हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज भी मैं यहाँ देख रहा था कि हमारे वो लोग जिनसे हम स्कूल में पढ़े हैं, 67 साल का मैं हो गया, वो भी आए हुए थे, बहुमदन जी खादी आश्रम वाले, ये डेडिकेटेड वर्कर। ये नहीं, हमारे पास कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, और ये पन्ना प्रमुख गए कहाँ थे इलेक्शन में, नजर आए थे आपको? ये तो क्या नहीं, किताब में जितने मर्जी बना लो,
जितने मर्जी बना लो, उसमें क्या दिक्कत है, लिखना ही है ना। ये गली का प्रमुख, ये चार दुकानों का प्रमुख, ये चार घरों का प्रमुख, ये क्या मीनिंग हो। तो आज आपने देखा कि हम कितने लोग थे, अभी आप प्रेस वाले कह रहे थे भी जगह छोटी पड़ रही है, कोई हम किसी को एक मैसेज दिया, सारे साथी अपनी इच्छा से आए। शादी यात्रा होने के बाद कोई आपके पास, ये यात्रा तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है जी। जो जैसी समस्याएं आपने गिनवाई हैं उनके लिए कोई रोड मैप भी तैयार किया है आपकी पार्टी ने या नहीं किया, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है? ये सारी ये चीजें होती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में। जब चुनाव आएगा, जब कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो देंगे कि ये क्या करेंगे, क्या क्या चीजें करनी है, जिसके ऊपर अपील करेंगे हम लोगों से वोट की, वो तो हाईकमान वो इलेक्शन मैनिफेस्टो देगी ना, उसमें आएगा ये सारा। जी आपने कहा कि रैली होनी है पानीपत, प्रदेश स्तरीय रैली है जी, तो उसके लिए कोई फाइनलाइज कर ली है जगह या अभी? 13-17 में वो फाइनल है जगह, 13-17 वाली जहाँ हेलीपैड है उसके साथ टेंट भी लगा गया है। अगर शुरू हो गया, अगर उससे पहले गवर्नमेंट ने कोई ऐसे नॉर्म्स या ऐसे कुछ कोविड को देखते हुए कुछ निकाल दिए रूल कि वहाँ पे ये रैली नहीं करने देंगे, तो उसके बारे में क्या, उसके देखो क्या करें? सरकार अगर कोई करेगी तो कल भी बयान दे रखा था कि उसको फॉलो करेंगे, कल खेड़ा साहब का बयान भी था जो हमारे प्रवक्ता है, तो प्रदेश में उसके कांग्रेस के प्रवक्ता है जो पार्टी के, क्योंकि ऐसी बात आती है तो कोई वो उसको फॉलो करेंगे। क्या करते हैं ये, अगर कुछ करना होगा तो, वैसे तो ये मेरे सवाल के, अगर कुछ करना होगा, कोविड ऐसा भारी आ रहा है, चीन में आया है तो चीन की फ्लाइट तो सबसे पहले बंद करो, वहाँ से तो लोग रोज आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी हो कि कोई गाइडलाइन तो देंगे ना, कुछ लोगों को बताया जाएगा तो तभी होएगा, उसके मुताबिक ही करेंगे ना भाई साहब, कोई इसमें कोई जीत तो नहीं है ना। भारत जोड़ो यात्रा है जी, क्या आप मानते हैं इससे भारत में के लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं? तो नजर आ रहा है दोस्त मेरे, कुछ सवेरे 4-5 बजे दुनिया सड़क पे खड़ी हो जाती है, कोई किसी को कोई पेड़ थोड़ी है, इच्छा से ही आ रहे हैं लोग। आप यहाँ भी देखोगे जैसे आपके प्रदर्शन होते हैं उसमें अलग अलग लोग शामिल नहीं होते आपके प्रदर्शन, ये कोई, 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 कोई ये, भाई जी, क्या कोई, आप इसको मानते हैं इसमें शामिल हो जाएंगे आप? मेरे भाई जी, मेरे लिए किसी ने शामिल नहीं होना, देखो मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा क्या है इसमें, कोई हो जाएगा शामिल होएगा ये उसने सोचना है, मेरा किसी से तो बड़ी। शाजी, इस यात्रा से 2024 में जो चुनाव है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, आप कितना सोचते हैं? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, सोचना लोगों ने है जो भुगत रहे हैं, सोचेंगे तो लोग जो 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 जो, जो, जो उनकी बात से जो आए हुए थे उनकी बात में, सोचना तो उनने जो ठगे गए हैं, हमारा क्या जाता है? पानीपत व्यापारियों का शहर है, व्यापारिक सामाजिक धार्मिक बहुत सारे संगठन, मेरे को 250 संगठन है, वो लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी से मिलना चाहे अपनी बात कहना चाहे उनके लिए मौका होगा? बिल्कुल, ये सारी बातें हम इनसे पूछेंगे और अपनी मीटिंग में रखेंगे 2-3 दिन में, जैसे दीपेंद्र जी आएंगे, उदय भान जी आएंगे, बड़े हुड्डा साहब आए, तो उनसे बात करेंगे, इनकी बात करवाऊंगा मैं सबकी, वो कैसे इनको बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम बनेगा, अपनी तरफ से तो हम बेस्ट करेंगे, हम तो चाहेंगे कि हर आदमी उनसे मिले, हर आदमी उनको अपनी बात बताए, अब वो कैसे कौन सिक्योरिटी क्लियर करती है? कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको शौक होते हैं राहुल गांधी सुनो जी, मतलब उनके कोई डेलीगेशन या उस तरीके के हो, कुछ बच्चे मिल लें, व्यापारी मिले, यही अभी बात हो रही थी, अभी बच्चे खड़े करे, सारे अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, उससे हवा भी बनेगी पार्टी। आप नहीं ठीक कह रहे हैं, आप नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, हम चाहेंगे पर हम पीछे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस बड़ी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी उनको थ्रेट भी बड़ी भारी है, पहले तो 2 कुर्बानियाँ हो गई उनके घर में, वो मिलने ही तो गई थी, वो राजीव जी को हार डालते ही काम कर दिया, ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी, जो CISF है जो लगी हुई है सिक्योरिटी उनके साथ, तो उन्हें क्लियर करेंगे तो ही कुछ जाएगा ना भाई जी। रैली तो हो जाती है, अक्सर देखा जाता है कि पत्रकारों को बात करने का मौका नहीं मिलता है इन नेताओं के साथ। देखो ये तो देखो मैं रमा जी आपकी बात का जवाब, क्योंकि यहाँ जो रैली होगी स्टेज लगेगी
प्रेस का क्लियर तो हमेशा बनता ही बनता है, प्रेस की जगह तो हम हमेशा रखते हैं। हमने तो छोटा सा प्रदर्शन किया तो वहाँ भी रखी हुई थी, हम तो पहले प्रेस को जगह देते हैं कि भाई क्योंकि बात तो आपके माध्यम से जानी है। बात जगह की नहीं करें, हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कोई बातचीत हो पाएगी उनसे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं जी। हर जगह पे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग के बाद हर जगह पे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जरूर होगी। हरियाणा के जितने बड़े नेता है कांग्रेस के सब मंच पे नजर आएंगे, एक दूसरे से बात करते दिखेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई जी, सारे करते हैं बात, रोज मीटिंग में इकट्ठे नहीं होते। शाहजी हरियाणा में कोई उसकी कोई लड़ाई थोड़ी है भाई जी, रोज मीटिंग में सारे इकट्ठे होते हैं। शाहजी हरियाणा में ये रैली है, इसके बाद रैली हरियाणा में और भी कहीं जगह है? नहीं, बस एक ही रैली है प्रदेश स्तरीय, राहुल जी की एक रैली है, एक प्रदेश में छोटा प्रदेश है, एक ही रैली मिली है वो पानीपत। इस रैली को लेकर के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो संगठित होकर इस रैली का स्वागत करेंगे, ऐसा कुछ है? सारे संगठित ही हैं, और क्या आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? कुछ है खेमे बटे हुए हैं सर, कोई खेमा खुमा नहीं है ना, हमको खेमा खुमा से कोई आपको नजर आता है, इतनी दुनिया खड़ी है। शाह जी पानीपत में जो रैली है जी टी रोड के हिसाब से रखी गई है, कहीं तो और रखी जा सकती है? नहीं, जी टी रोड में रखी गई है, हमने कहा कि पानीपत करिए, हमने मांग करी क्योंकि यहाँ दो बार इंदिरा जी भी आए, राजीव जी भी दो बार ही आए, एक रैली करी राजीव जी ने हमारी 87 में हमारे इलेक्शन की भी, तो आगे सोनिया जी भी आए थे, आगे आगे भी जा सकती थी, करनाल भी हो सकती थी, कुरुक्षेत्र भी हो सकती थी, ये तो उनकी मेहरबानी है हुड्डा साहब की जिन्होंने मेरी बात मान के पानीपत रख दी और शहरी विधानसभा में रख ली। इससे क्या फर्क पड़ता है? ग्रामीण वालों ने बड़ा जोर लगाया, सुनने में आया था कि 13-17 तो ग्रामीण में पड़ता है, ग्रामीण में लगवा दो, ग्रामीण में तो है। तुम ये तुम इन बातों में तुम इन बातों का जवाब देखो देन दोगे तो मैं बात करूंगा, सारे दोगे कैसे कहा पड़ेगा, 13-17 ही जगह सूट करती है, अब इतने वाहन आने हैं वही पार्किंग बनेगी, पानीपत में तो पार्किंग की जगह भी कोई नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। शाहजी अभी ग्राउंड है ना, वैसे चारों तरफ रास्ते खुले, किसी रास्ते से आ सकते जा भी सकते, हाँ। चारों तरफ रास्ते उस ग्राउंड के। अभी आपने कहा कि राहुल जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन शहर में कुछ नेताओं से अगर बीजेपी के से बात करते हो तो वो कहते हैं कि विपक्ष सोया हुआ, तो पानीपत में विपक्ष क्यों नहीं जा रहा? ऐसा है, ये हमारे से क्या चाहते हैं वो मेरे को ये बता दो कि ये क्या करते थे, क्योंकि बीते दिन अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक नेता से बात हो रही थी सफाई व्यवस्था को लेके, मैंने कहा भी गंदगी इतनी ज्यादा हो पड़ी है, लोग कहते हैं कि ये सुनते नहीं बीजेपी वाले, कहते जी अगर विपक्ष मजबूर होता तो हम लोग भी मजबूर हो जाते काम करने के लिए, हम लोग भी सुस्त हो गए उनको देख के। तो तुम भी सो जाओ, तुमको मना कर रहा है और पहले ही सोए हुए हो, तुम्हें जगा सकता है कोई? सोए हुए को जगाया जाता है, जागते को नहीं जगाया जाता, जिसने जिसके जिम्मेवारी है वो ऐसी बात करे, इतनी छोटी बात करे, हमारे से क्या संबंध है उस बात का, उसकी जिम्मेवारी है, वो अपना धर्म निभाए अपना फर्ज निभाए, लोग धक्के खा रहे हैं 40-40 बारी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतर रहे हैं, शर्म नहीं आ जाती आदमी को? और जो उनसे ऐसी नेता बात करता है मेरी उससे रूबरू बात करा दियो, विपक्ष 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 का विपक्ष का जो काम है विपक्ष अपना डिसेंट वे से करता है, कांग्रेस को रोना छाती पीटनी गालियां देनी नहीं सिखाई गई, हम तो गांधीवादी आदमी हैं, उस दिन भी हमने अपने प्रदर्शन में लिखा था शांतिपूर्वक प्रदर्शन, देखा होगा आपने जी। तो वहां बैठे टाइम से गए टाइम से आ गए, बताया इनको कि सियाने बनो, लोग परेशान, और उसके बाद भी जून ही रहेंगी, 1-2 दिन ही हुआ कुछ, कितने लोग बोले वहाँ के मेरे को 7 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, और अब ये राहुल जी की रैली 9 हफ्ते तो दोबारा प्रदर्शन कर चुका होता, अब इसके बाद करांगे इस रैली को करके फिर करांगे बढ़िया सा प्रदर्शन, वो जैसा कहोगे इनसे पूछ लेना कैसा चाहते हैं, तोड़फोड़ वाला चाहते हैं कैसा प्रदर्शन चाहते हैं, प्रदर्शन तो यही होता है जैसे महात्मा गांधी करते थे और अंग्रेज चले गए यहाँ से, हम करेंगे ये चले जाएंगे यहाँ से।
शाह जी, एक गांधी जी, राहुल गांधी जी एक ही बात करते कि नफरत बहुत फैल रही है, नफरत की राजनीति को दूर करना है, प्यार पाने आए हो, तो इसका क्या मतलब आप? वो तो यही कहते हैं, हम सब एक हैं, क्लियर तो बताते हैं वो सारा कुछ, और क्लियर आपको मालूम है कि ये तो जात पात की, जात पात की राजनीति नहीं करते, हम तो सारे मिल के एक एक देश, एक देश के वासी, सारे भाई भाई। मेरे से अभी ये कह रहा था कभी, उसने अपने विचार दिए कि हम एक हिंदू का बच्चा, एक सिख का बच्चा, एक ईसाई का बच्चा, एक उसका है मुस्लिम का, चार इकट्ठे करके वो बना के वो करेंगे। मैं कहा हम तो इसको जोड़ने के चक्कर में है भाई, हम तो अलग क्या करना है इसमें, हम अलग है ही नहीं, कांग्रेस की विचारधारा डिफरेंट है ना इनसे, ये विचारधारा की लड़ाई है ना। आपको लगता है कि इस रैली के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं? गिनती तो भाई साहब शुरू हुई हो चुकी है बिल्कुल 100%, इतना लोग सड़क पे आना, ये गिनती तो है, और क्या है, ये क्या इंडिकेट करती है, इसी वजह से ये परेशान है। सवाल तो अब है नहीं इनके पास बोलने के लिए कोई, जो वो सवाल करते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये हर चीज़ को तो मैं सारी क्लियर है, आपके सामने भी क्लियर है कि झूठे वादे हर बात में कितनी देर सुन लेगा आदमी, कितनी बारी एक झूठ को कितनी बारी गालोगे, कोई अपने ये गिनवाए कि अपने काम गिनवाता आदमी, कभी मैंने ये कर दिए, वो तो गिनवाते नहीं, हमारा नुक्स निकालेंगे कि विपक्ष सो रहा है, उनसे ये तो पूछो अपने काम गिनवाओ, विपक्ष को छोड़ो, हमने भी कभी कहा था कि विपक्ष सो रहा है? हजार दिनों का ब्यौरा दिया था पीछे प्रमोद वीर ने, बोला था कि 1485 करोड़ के काम शहर में करवाए, आप भी शहर घूमते हो, क्या लगता है उसके बारे में? क्या चर्चा करनी, छोड़ो परे, चौदह तो अब भारत जोड़ो, नेशनल की बात हो रही है, नेशन की, कहाँ इसको बनाने, पानीपत का कौन सा उनके आगे दिखाओगे संस्कृति कौन सा? यही तो मैं डिस्कशन के लिए बुलाया कि भाई फाइनल तो होने दो, विचार सुनने के लिए भी हमारे पास बेस्ट क्या हो सकता है, उसी के लिए तो मीटिंग बुलाई। अगर हमें, मेरे को पहले ही मन में हो कि भाई पानीपत की ये चीज़ करनी है, तो फिर तो मीटिंग की जरूरत ही नहीं, ये तो सब कुछ विचार जानने के लिए था। इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि पानीपत को दिल्ली एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री डिस्टर्ब होती है, बड़ी मांग है ये। अगर वो आश्वासन दे दे कि हाँ हमारे को मौका मिला तो ये करेंगे, ये चीज़ ने भाई जी ड्यूरिंग चुनाव नहीं, आज कोई मकसद वोट मांगने का नहीं, आज जो मकसद भारत जोड़ो यात्रा का है, उसमें जो भी अपना अगर कोई टाइम लगेगा, उनसे मुलाकात होएगी, इंडस्ट्रीज मिलना चाहेंगे और वो टाइम देंगे, तो ये तो वहाँ बात करेंगे, वहाँ कोई होगा स्टेज के ऊपर, तो वोट मांगने के टाइम पर आश्वासन होते हैं, तो मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आऊँगा तो ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तो अपनी कहते हैं ना जी, मैंने उस दिन भी वहाँ कहा था ये दलाल नहीं चलेगा, वो तो वोट मांगने के समय पे करें। रैली 7 तारीख की है, तो उसमें भीड़ इकट्ठी करने के लिए आप क्या घर जाओगे, गली गली? हाँ, वो वही मीटिंग करी है, हाँ। सारे साथियों को आज भी कहा है कि जहाँ भी मेरी जरूरत है, जिस मोहल्ले में भी, हाँ। मैं सबको न्योता दूंगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा, हर गली मोहल्ले में जाके, हमने पहले भी जलसा किया था, जब भी मैं गया था, पहले तो वार्ड वाइज गया था, अब मैंने कहा मैं गली तक आऊँगा, जहाँ भी बुलाओगे हम वहाँ हाजिर होंगे, जाके न्योता देंगे कि भाई सारे साथी, सारी सारे भाई बहन बढ़ चढ़ के भाग लो। हाँ, तो वो पहले बताया इनको कि अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे।